रात में पकाया है और अभी तक किसी ने नहीं खाया है। नेक्स्ट डे हो गया है क्योंकि कल बनाने सिखाऊंगी इससे नहीं उससे। आप बस टिश्यू आया करेंगे और कुछ बना रही हूँ यमी यमी सा मैंगो शेक। इसमें मैंने चीनी दूध क्रीम। वाह भाई वाह, ये तो मैजिक हो गया अंशरा का। यहाँ पे नहीं लिखा। हाँ अब मिल्क शेक में आइस डाल के वो मैंने रख दिया था फ्रीजर में। यम्मी सा फ्रीज हो गया है ये देखें। और ये आइस पॉप्स हैं और वो रबड़ी रखी हुई है मज़ेदार सी। क्या दिखा। और चूंकि ये गंद बहुत मचाते हैं इसलिए मुझे ये पसंद नहीं है। अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अब मैं सालन दिखा रही थी कि देखें रात में पकाया है और अभी तक किसी ने नहीं खाया है। नेक्स्ट डे हो गया है क्योंकि कल बच्चों ने क्या खाया था, बच्चों ने क्या खाया था, बाहर का मंगवाया था, कचौरी वगैरह खाई थी। खाना नहीं खाया था, कचौरी खाई थी सिर्फ। और आज भी बच्चों ने ये सालन नहीं खाया है। दोपहर का टाइम हो रहा है, ये मैं और मेरे हस्बैंड ही खाएंगे बस। बच्चों की वजह से आलू डालो, बच्चों ने नहीं खाया। रात बच्चों को यही सालन देना है। आज बच्चों ने खाई है मैगी। मैं आपको सेब बनाने सिखाऊंगी इससे नहीं उससे। आप बस टिश्यू जाया करेंगी और कुछ नहीं करेंगी। टिश्यू यहाँ पे रखा हुआ था। आप बनाओ मैं काम कर रही हूँ। यहाँ मैं बना रही हूँ यमी यमी सा मैंगो शेक। इसमें मैंने चीनी दूध क्रीम मैंगो और अब हम इसको कर लेंगे ग्राइंड। बच्चों को डेली स्कूल से आने के बाद कुछ ना कुछ मीठा चाहिए होता है, तो ये रोज़ वाला मीठा है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं आइस। क्रीम ज़्यादा डाल दी तो ये गाढ़ा हो रहा है। अब मैं इसमें आइस डाल देती हूँ ताकि ठंडा और हो जाए। अंशरा के तो कारनामे चलते रहेंगे हर वक्त, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। मैं यहाँ पे लिखूंगी इसके नीचे वाले पेपर पे भी लिखेगा। वाह भाई वाह, ये तो मैजिक हो गया अंशरा का। अब हम मुझे काम करने दें, मिल्क शेक कंप्लीट करने दें। इसमें हम आइस डालते हैं फिर दिखाती हूँ। मिल्क शेक में आइस डाल के वो मैंने रख दिया था फ्रीज़र में। यम्मी सा फ्रीज हो गया है ये देखें। आइस नहीं डाली थी मैंने, इसी को ही डायरेक्ट फ्रीज़र में रख दिया था। मेरे फ्रिज का हाल देखें, अभी ये सारा खाली करना है। ये सब चीज़ें फ्रीज हुई हुई हैं और कुछ भी नहीं है। इसमें चिकन है, बीफ है और कबाब वगैरह बनाकर फ्रीज किए हुए हैं। और ये खजूरें हैं, ये भी फ्रीज किए हैं। और बहुत सारा सामान है, सब्जियां हैं कुछ जो कटिंग करके फ्रीज की हुई हैं। मसाला चिकन है, फिश है, सब पे मसाला लगाए हुए। और यहाँ पर बच्चों का सामान रखा हुआ है सारा। ये स्ट्रॉबेरीज हैं वो सामने वाली, और ये देखें ये स्ट्रॉबेरीज हैं। ये बच्चों के नगेट्स कबाब हैं और ये आइस पॉप्स हैं और वो रबड़ी रखी हुई है मज़ेदार सी। क्या दिखा रही थी और क्या दिखाने लग गई हूँ मैं। तो ये मज़ेदार सा हो गया रेडी, ठंडा ठंडा। और अभी इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा दूध क्योंकि ये गाढ़ा भी बहुत है। और इसमें मैंने डाला था आधा किलो दूध। इसको हम आधा किलो दूध के बजाय इसको हम फुल करेंगे दूध से ना। ये मीठा भी है और ठंडा भी मज़ेदार हो गया। बस सिर्फ इसमें दूध की कमी है, दूध डालेंगे तो ये बहुत मज़े का हो जाएगा। तो अभी बच्चों ने खाना वाना सब खा लिया है, सब कुछ हो गया है, बस इसको पियेंगे अब हम। बच्चों को ट्यूशन से ले आई हूँ, खाना खा के बच्चे ट्यूशन चले गए थे। और मिल्क शेक थोड़ा ही पिया था, ज़्यादा नहीं पिया था, बस थोड़ा थोड़ा पिया था। तो अभी मैं रात में खाने के साथ बच्चों को दे दूँगी मिल्क शेक। और यहाँ पे मैं टीवी देख रही हूँ और बच्चे गए हुए हैं नीचे खेलने के लिए, उनको मैं बुलाती हूँ ऊपर। और बस, और ये देखें ये बच्चों ने क्या गंदगी रखी हुई है, इतना गंद मचा रहे हैं। ये रोज़ का ये ना नीचे का इनका कागज़ चेंज करना पड़ता है। ये देखें ये चार थे और दो बच्चे हैं, दो हमारे घर में, एक केटी है प्यारी सी
उसने ना एक को तो खा लिया, पता नहीं कहाँ का रास्ता, ऐसे बात है खाया ही होगा, और दूसरी वाले को उसने पंजे मार 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 के ना ज़ख्मी कर दिया। ये दरवाज़े खुलता है, पता नहीं कैसे उसने ये खोला और अंदर हाथ डाल के ना उसको ज़ख्मी कर दिया, तो वो मतलब ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रहा, वो भी मर गया। तो ये थी बहुत ही बुरी अफसोसनाक खबर मेरी, और चूँकि ये गंद बहुत मचाते हैं इसलिए मुझे ये पसंद नहीं है। आप लोग देख सकते हैं अंदर ये पूरे दिन में इन्होंने कितना गंद मचाया है। अब सुबह के टाइम ये फिर चेंज होगा इसका नीचे का गत्ता। तो और मैं अपने कपड़े स्टिच कर रही थी, और बस मैं व्लॉग का एंड करूँगी क्योंकि आज मैं थकी हुई हूँ थोड़ा, तो अपना व्लॉग का एंड करूँगी और इंशाल्लाह कल नए व्लॉग के साथ मिलेंगे। तो आप लोग मुझे अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा, खुश रखें, खुश रहें, आपस में मिलजुल कर रहें, प्यार बांटें। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।